यूक्रेन के राष्ट्रपति वलादिमीर जेलेंसकी ने वीरवार को दुनिया भर के लोगों को अपने संकट विच घिरे देश लई समर्थन दिखाने लई जनतक तौर पर इकट्ठे होने का सद्दा दिता है, क्योंकि वह रूसी हमले की एक महीने की वरेगंढ से ब्रसेल्स विच इकट्ठे हुए यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन अते होर नाटो नेतावान को संबोधन करने लई तैयार सन। रूस उत्ते नवीं पाबंदियां लगाने की तैयारी विच बाइडन, जिवें कि यूक्रेन विच युद्ध चल रहा है, राष्ट्रपति जो बाइडन इस हफ्ते ब्रसेल्स अते वारसा विच मुख सहयोगियों नाल मुलाकात करनगे, तां जो रूस अते नवीं पाबंदियां लगाउण अते एक असाधारण मानवतावादी संकट नाल नजिठण दीआं योजनावां बारे गलबात कीती जा सके, जदों कि उह इस गल ते सहमति बनाउंदे होए कि उह किवें प्रतिक्रिया करनगे। रूस ने साइबर रसायनिक जां परमाणु हमला करना सी। रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन के एक चोटी के सलाहकार ने बुधवार को सरकार तो अस्तीफा दे दिता है और कथित तौर पर यूक्रेन के रूस के हमले के विरोध में रूस छोड़ दिया है।